भारत को जानने वाले और न जानने वाले इस बात से तो वाकिफ ही होते हैं कि भारत में कदम कदम पर अचंभे मौजूद हैं। ऐसे में हम आपको रूबरू करा रहे हैं ऐसे ही कुछ जबरदस्त फैक्ट से जिन्हें आप शायद ही जानते हो। दोस्तों, भारत को किस्से कहानियों का देश कहा जाता है। यहाँ एक बहुत पुरानी और प्रचलित कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी। भारत में इतनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता है कि सारी विविधताओं को बता पाना किसी के लिए संभव नहीं है। फिर भी हमने कोशिश की है कि हम आप तक इन फैक्ट्स को पहुंचा पाएं, जिसमें पहला स्थान पर आता है तैरता हुआ डाकघर, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का। वैसे तो भारत में डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत में 1.5 लाख से भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिस मौजूद है। ऐसे में श्रीनगर का डाकघर भी शामिल है, जो सबसे हटकर है। यह पोस्ट ऑफिस डल झील में बोट के ऊपर स्थित है, जिसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। दूसरे नंबर पर आता है कुंभ मेले की भीड़, अंतरिक्ष से भी दिखती है। कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार में देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। साल 2011 में संगम के तट पर आयोजित कुंभ मेले में पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ जुटी थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा गया था। है ना हैरानी वाली बात। तीसरे नंबर पर आता है दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाली जगह भारत में है। भारत के मेघालय प्रांत के खासी पहाड़ियों पर स्थित मौसिनराम नामक जगह में इतनी बारिश होती है कि एक आम आदमी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता है। इससे पहले यह रिकॉर्ड मेघालय के चेरापूंजी के नाम था। चौथे नंबर पर आता है वांड्रावर्ली सी लिंक का। वांड्रावर्ली सी लिंक में पृथ्वी के रेडियस के बराबर स्टील लगा है। इस पुल को बनाने में 90,000 टन सीमेंट का प्रयोग किया गया था, जिसका कुल वजन 56,000 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। यह पुल मानव कला का बेजोड़ नमूना है। पांचवे नंबर पर आता है शैम्पू का आविष्कार भारत में था। हो सकता है आप इस फैक्ट को जानकर थोड़े अचंभित हुए हों, लेकिन यह सत्य है कि शैम्पू का आविष्कार भारत में ही हुआ था, जिसे आज पूरी दुनिया में लोग प्रयोग में लाते हैं। शैम्पू शब्द संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है मसाज। छठे नंबर पर आता है चंद्रमा पर भारत में ही सबसे पहले पानी खोजा था। यह बात सितंबर 2009 की है। भारत के चंद्रयान नामक सैटेलाइट ने चंद्रमा के मिनरोलॉजी मैपर की मदद से चंद्रमा के सतह पर पहली बार पानी खोज निकाला था। सातवें नंबर पर आता है दुनिया में दूसरे सबसे अधिक अंग्रेजी बोलने वाले लोग भारत में ही हैं। अब इसे अंग्रेजों का प्रभाव कहें या फिर अंग्रेजी बोलने पर मिलने वाले बेहतर रोजगार का, मगर भारत अंग्रेजी बोलने वालों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। आठवें नंबर पर आता है दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड का। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश में चायल नामक स्थान पर स्थित है। यह समुद्र तल से 2,444 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है। नौवे नंबर पर आता है दुनिया का सबसे पुराना शहर भारत में है। गंगा तट पर स्थित वाराणसी, यह एक धार्मिक स्थल है। वाराणसी को बनारस और काशी भी कहते हैं। बनारस दुनिया का सबसे पुराना नगरों में से एक है। दसवें नंबर पर आता है चीनी, शुगर का सबसे पहले भारत में उपयोग किया गया था। चीनी सबसे पहले भारत में ही उपयोग की जाती थी। भारत चीनी के निष्कर्षण और सफाई की तकनीक विकसित करने वाला पहला देश था। बाद में भारत ने रिफाइनिंग और चीनी के लिए गन्ने आदि की खेती के बारे में कई देशों को सिखाया। उम्मीद करता हूँ कि भारत से जुड़े दिलचस्प और ज़बरदस्त फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।